मेनपुरी से दीपक की ना सुनी है। सबसे पहले तो मैं मेनपुरी के सभी लोगों को जिन्होंने समर्थन दिया समाजवादी पार्टी को और जिन्होंने नहीं भी दिया, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। और मैं समझती हूँ कि आज मेनपुरी ने एक सकारात्मक राजनीति को चुना है। हमेशा मेनपुरी सकारात्मक राजनीति को चुनती आई है और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मैं ये अपनी बात दोहराती हूँ कि हमारी प्राथमिकता होगी कि मेनपुरी का विकास कैसे हो, मेनपुरी आगे और कैसे बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने कहा था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, उसको किस नजर से देखा था? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के मंत्री चुनाव हारे हैं और स्टेट के मंत्री भी, यानी कि राज्य के मंत्री भी चुनाव हारे हैं, तो ये दिखाता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी से कितनी त्रस्त है और एक उम्मीद की किरण आज देश को नजर आ रही है इंडिया गठबंधन में। आज पीडीए ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है, किस तरीके से देखते हैं, क्या संदेश जाएगा? मैं समझती हूँ कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो पीडीए का जो ये किलो नारा था, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी तीव्रता के साथ दौड़ा है और इतना इसका अंडरकरंट रहा है जिसके परिणाम हमें नजर आ रही है। इतनी बड़ी जीत होने के बाद में 200+ सीटें आई हैं आपकी, तो किस तरीके से सरकार बनाने का दावा क्या पेश करेंगे आप? मैं समझती हूँ ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, क्योंकि बहुत हम नजदीक है बहुमत हासिल करने के, तो ये राष्ट्रीय नेतृत्व की अब जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह जो ये एक मौका देश में जो एक नई राजनीति का जो सूर्योदय होने जा रहा है उसको कैसे आगे लेके जाना है। तो कई नेता पार्टी में आने की गठबंधन में आने शामिल होने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग अपने अपने गर्तव्य से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए, कैसे देखते हैं? मैं समझती हूँ सब अपना समर्थन देंगे और सब आज देश को एक नए सूर्योदय की तरफ लेके जाने का कार्य करेंगे। आपकी जीत से बड़ी अखिलेश जी की जीत हुई है।